मैंने तुम्हें बहुत कविता याद कराई है। चलो कैश एक कविता सुनाओ सबको। जोनी जोनी यस पापा सनी लियोनी आह 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 ये सही। लैला बहुत बदतमीज हो रही हो। मैंने तुम्हारी कौन सी गांड मार ली? वैसे भी मान लेगी। मान ना सकती तो फील्डिंग तो लगवा दूंगी, दबा दूंगी कोड़िए। बहुत बोल रही है सहनसा की लोंडिया। इस मारे कुछ ना कह रही हूँ ना, तो दो मिनट में सूर्य बना देता तेरा। पता ना दादा बदमाश रह चुके हैं मेरे। चलो मैं सही से पढ़ाता हूँ तुम्हें। जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग सुगर नो पापा, टेलिंग लाई नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। ले कैश, ये क्या बदतमीजी है, इधर आकर बैठो। लैला तुमसे कितनी बार मना करा है, कैश के पास मत बैठा करो, क्यों बैठती हो? कैश मुझे बहुत अच्छा लगता है। कैश तुम लैला का नाम तख्ती पर क्यों लिखते हो? मेरी तख्ती मेरी मर्जी। अच्छा, माई क्लास माई रूल माई स्टिक, चिकन बनो। बहुत ही बोल लिया। अफसाना इन्हें क्या हो रहा, चेक करियो जरा। बच्चों चलो छुट्टी हो गई, जाओ जाओ अपने अपने घर। हे ऊपर वाले, इस नफरत की दुनिया में इन नन्ही सी जान को मोहब्बत का पैगाम बनाकर भेजा है, रहम कर रहम कर। ये लो जहाँ पना, मैं तुम्हारे लिए बेनजीर तोहफा लाया हूँ। फकीरा ये है आपका बेनजीर तोहफा, इससे तो नक्ते की नाक भी नहीं कटेगी। ले जाओ इसे, ये जंग के काबिल नहीं है। जंग के काबिल नहीं है? 40 साल हो गए इस महल में जंग हुए पे। दुश्मन का नाम सुनते तुम्हारा हाथ पर फूलना, और पिछले साल करा तो दुश्मन से नाम बोला बहू के लहंगे में घुस गए। अबे तो उस टाइम मेरी तबीयत खराब थी, उल्टी दस्त हो रहे थे मुझे, डॉक्टर ने मना करा था लेने को। जब बुला ला उन्हें सालों को, ऐसी पटकी मारूंगा घूमड़े पड़ा दूंगा मैं, बहुत खतरनाक आदमी हूँ। फकीरा इससे पहले हम तुम्हारी गांड पे लात मार के महल से बाहर निकाल दें, चले जाओ यहाँ से। अरे अरे अमीर आला, ये और ऐसे और देखो ये तलवार, ये तो हाँ ये उसी तलवार की फर्स्ट कॉपी है जिसे तुम्हारे दादा जान ने हसनपुर की नुमाइश से चुराया था, और दुश्मनों ने उनकी गांड पर थूक के उस तलवार को छीन लिया था। ले जाओ इसे यहाँ से। अबे मौसले के इसे फेंक क्यों रहा, इसके पैसे का तेरा बाप देगा। फकीरा हमें उस तलवार की फर्स्ट कॉपी नहीं बल्कि ओरिजिनल चाहिए। अब मैं ठीक हो गया हूँ, इन्हें भोफड़े वालों को यमीनियों को मैं बताऊंगा मैं क्या चीज हूँ। अमीरे आला सेंटी तो मैं कैश की गांड पर फेर रहा था, मगर जख्म लैला की गांड पर प्राप्त हुए। क्या? हाँ मेरे आका, हाँ अगर मैं अपने कानों से सुनता तो एक वाक्य समझता, मैंने खुद फेरी। बेटा कैश, लैला तुम्हें कैसी लगती है? अब्बा जान बहुत ही शानदार और सेक्सी लगती है। कौन सी बात अच्छी लगती है उसकी? अब्बा जान जब वो नहा के बाथरूम में से निकलती है ना, तो ये लगा लो इस गोलाई में उसका फिगर है, उसे देख कर मेरे शरीर में कुछ खड़ा हो जाता, रोंगटा खड़ा हो जाता रोंगटा। क्या चीज बुरी लगती है लैला की? अब्बा जान उस बहन की लोड़ी की एक ही बात बुरी लगती है मुझे, अब यार दुग्गी नहीं पिटवाती वो, न्यू गुस्सा आ गया उस पे। बेटा कैश, मोहब्बत के लिए दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। अब्बा जान उस चीज की दिक्कत मत लो तुम, दिल बहुत बड़ा है और लिंग उससे ज्यादा बड़ा है। अरे कोई बात ना, जवानी में छोटे लंबे वाली बात होती रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेटा कैश अगर लैला तुम्हारी नहीं हो पाई तुम क्या करोगे? ओए माँ को चोट दूंगा और मकान पोत दूंगा और लिख दूंगा लैला 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 और लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। ओए भोसड़ी के बाबला, क्या किस्तों का कुर्ता ले आयो? कुर्ता फाड़ के वैसी महल में कड़की चल रही है, कुर्ते को कुछ हो ना जा फाड़ के डाल दूंगा गड्ढे में, कुछ और सोचा अपना। कैश मोहब्बत के रास्ते में फूल से ज्यादा कांटे होते हैं।
अरे तुम पागल हो क्या हो? अब मैं कांटे पे क्यों जाऊंगा? मैं तो हाईवे पे जाऊंगा, वीआईपी वाले पे। हाँ तेरी दादी की तेरी। अब मैं दिक्कत सामने वाली बात कर रही हूँ, पैसे क्या से उठा कर ले आए थे बाप देखो। अरे उसे मैं झेल लूंगा, तुम दिक्कत मत लो। झेल लूंगा लुखटिया, साले की चैन में बुल्लो फंस गई, पूरे महल में डोला फिर रहा, वो तक तो निकली ना, मुसीबत झेलेंगे। और सुन लैला, कल से स्कूल नहीं आएगी। क्यों? तुम्हारे अब्बा जान और उसके अब्बा जान में बहुत गहरी दुश्मनी है। अब्बा जान, क्या ये दुश्मनी दोस्ती में तब्दील नहीं हो सकती? हो जाएगी, 70 करोड़ रुपए लगेंगे, ला दे दे। अरे छोड़ो फिर यार, हटाओ। मैं तो सलीम की दुकान पे मिलने करूंगा जब चीनी वीनी लेना करेगी, टेंशन मत लो तुम। चल ठीक है, तेरी समझा यार, इसे तेरा यार ये इश्क बाजी में पड़ गया। क्या गुस्ताख कमीन, अगर तुम हमारी बेगम के भाई नहीं होते तो एक मामूली कंडी होते। कह दो कि ये बात झूठ है। अब कह दे भोसड़े के, ये बात झूठ है। कह क्यों नरिया? नहीं आका, ये बात झूठ नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इस कदर दोनों प्यार में डूबे हुए थे। हेरो अबू हासिम, लैला सच्ची है, लैला का दामन पाक और पवित्र है, लैला की सच्चाई इसकी आंखों में साफ नजर आ रही है। देखो अबू हासिम, हमें तो भोसड़े के चिपड़ नजर आ रहे हैं। ध्यान से देखो अब्बू, थोड़ी बहुत सच्चाई तो होगी। हाँ थोड़ी बहुत सच्चाई है लैला, आवाम में हमारी बहुत इज्जत है, इसलिए हम ये फैसला करते हैं कि कल से तुम्हारा कॉलेज बंद। कॉलेज नहीं जाओगी तुम? कोई बात नहीं, मैं तो कैसे सलीम भाई की दुकान पे मिल लूंगी और रात को टहलता फिर वहां पे मिल लूंगी, मैं तो बुला ही लूंगी, कोई बात ना। लैला मुझे हाथ उठाने पे मजबूर मत करो। देखो तुम हाथ उठाओ या अम्मी की टांगे उठाओ, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे कैसे शादी करनी बस। भैंचोद अपनी माँ को गई है, अपनी माँ की तरह ही मुझे हो रहा है तू। मेरी होने को कुछ मत कही भाड़ू। सुसरी पहले तुझे ही बताऊं। सब्बास बेटी सब्बास, आगे चल के तुझ जैसी बेटी ही पापा की परियों का रूप लेंगी। ये बात तो ठीक है, मजे मजे में मेरे कमर पर हाथ फेर दिया भाड़ू। हाथी हमारी। तो है गाइस, गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आजकल हर कोई बिटकॉइन और स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म सर्च कर रहे हैं तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम है पॉकेट ऑप्शन। पॉकेट ऑप्शन एक फाइनेंशियल मार्केट और फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप 100+ एसेट्स पर ट्रेडिंग कर कमा सकते हो। यहां पर आप बड़े बड़े कंपनी जैसे कि गूगल, एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यहां पर आप क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, लिटकॉइन, इंसेक्ट्रा में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड गाइड यहां पर आप गोल्ड एंड सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आपको ट्रेडिंग करना नहीं आता है तो पॉकेट ऑप्शन आपको ट्यूटोरियल्स, गाइड्स एंड स्ट्रेटेजीज पर ऑफर करता है आपके सीखने के लिए। यहाँ पर आप सोशल ट्रेडिंग कर भी कमा सकते हो, जिससे आप बड़े बड़े ट्रेडर्स की कॉपी करके मतलब उनकी स्ट्रेटेजीज सीख कर भी कमा सकते हो। सो गाइस पॉकेट ऑप्शन आपको डेमो अकाउंट भी देता है, जिसके अंदर आपको $10,000 यानी कि 7-8 लाख रुपए का वर्चुअल कैश आपकी ट्रेड प्रैक्टिस के लिए। बाकी प्लेटफॉर्म पर 60 सेकंड लगते हैं ट्रेड रिजल्ट के लिए, वही पॉकेट ऑप्शन आपको 5 सेकंड में आपका रिजल्ट दे देगा। इसमें आप इजीली विड्रॉल एंड डिपॉजिट कर सकते हैं अलग अलग वॉलेट यूज करके, जैसे कि जियो मनी, एयरटेल, फोन पे एंड लोकल बैंक, और भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। मिनिमम ट्रेड अमाउंट है $1, यानी कि आप 75 रुपए से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें विड्रॉल एंड डिपॉजिट पर 0% का कमीशन लगता है। पॉकेट ऑप्शन एंड्रॉइड और iOS दोनों पर अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज ही डाउनलोड करो पॉकेट ऑप्शन एंड अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करो पॉकेट ऑप्शन के साथ। एंड आप वीडियो को एंजॉय करो। लैला उस दिन जो अम्मी ने हमें पकड़ लिया था तो तुमसे कुछ कहा तो नहीं था बाद में? कहा तो नहीं था? तू तो वहाँ से भाग गया था मुझे अकेले को छोड़ के भाड़ू, सारी तोहमतें मुझ पे आ गई थी। अम्मी ने गाँव में बहुत तगड़ा चिमटा फेरा, 8 दिन तक नहीं बैठा गया मुझसे, पर क्या करूँ, पागल आवारा दिल कभी मानता ही नहीं है, पूरी रात दिन यही चिल्लाता रहता है कैस कैस। लैला तुम चाहती क्या हो? चाहती तो मैं बहुत लंबा हूँ, पर क्या करूँ, मौका ही नहीं मिलता, हर जगह पकड़े जाते हैं। लैला आज बहुत प्यार आ रहा है तुम्हें, क्या मामला है? मामला कुछ नहीं है, मेरा रिचार्ज करा दो, मैं जरा नागिन का सीरियल देखना चाहती हूँ। ए भोसड़ी की, तू बहुत चालू बन रही भाई, हम पर मोबाइल भी नहीं है, तेरा रिचार्ज करवा दे हम। तुमसे कभी किसी काम को किया होगा ना, तुमने मना ही किया होगा, मेरी फीलिंग नहीं समझते, कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे, दिल में दिल ठोक के कह रही हूँ सारे जमाने के सामने कि कैश मेरा है, कैश तू मुझे कभी छोड़ेगा तो नहीं बाबू? लैला
मैं दुनिया छोड़ सकता हूँ लेकिन अपनी लैला को कभी नहीं। गुस्ताख! और ये लोग वो आ गए? खबीस! हमारी इज्जत और आबरू से खेलता है साले। चल साले, आज तेरे बाप के पास ले आऊंगा तुझे मारता हुआ। चल चल साले, मेरी लौंडिया को छेड़ता अबू हाशिम की लौंडिया को तुझे पता ना है? अबे हो अबू काशिम, बाहर निकल गया साले, आज तेरा इंतकाल करूंगा। क्या बात अबू हाशिम, आज पूरा यमन अपने सिर पे उठा रखा है, लगता है बेगम ने चाय नाश्ता नहीं कराया क्या? इसे अपने लौंडे को समझा ले, मेरी लौंडिया को छेड़ ले आए। अपनी लौंडिया को संभाल ले पहले, उसे कुतिया से ज्यादा आगर रंडी को यहाँ को आया शिकल को लेके भाड़ो। आऊं अभी, मैं थपड़ाऊं हाँ जाके। जब हम आदमी आदमी बात कर रहे हैं तू क्या लड़ ले रही है? दोबारा बता, मुझे पहले समझ में आई थी। अब ओ गंदे, इसे अपने लोंडे को समझा ले नहीं तो साले पे जूता फेर दूंगा। अबू हाशिम, एक हाथ से कभी तालियां नहीं बजती, मुझे पहले से ही शक था। तेरी लोंडिया के चूतड़ों में बहुत आ गए, उसे भी तो जाके देख। अबे झाटू, निकाह चाह रही है निकाह। अब तमीज से बोल साले, अन्य तेरा महल सारा कटरे की गाड़ में खोद दूंगा। अबू हाशिम, इससे पहले हम तुम्हारे चिल्ड्रंस की माँ चौथ दे, दबान हो जाओ हमारे महल से। अबे मैं थूकता हूँ ऐसे महल पे। तेरी माँ का साले, सोई पोछा लगाया है सब भाई पर दे रहा। यस, लैला से अपना ब्रेक फेल कर लो। मतलब? अरे ब्रेकअप को कह रहे हैं, मतलब लैला से अपना नाता तोड़ लो। नहीं अब्बा जान, ये नहीं हो सकता। दिस इज माई सेक्सी लेडी, आई डोंट ब्रेक अप, डेली नाइट फकिंग। अबे अपनी मोहब्बत को घोंसले अपनी गांड में, यहाँ साले नाक कट गई मेरी जानदार। अरे तुम्हारी गांड भी कट गई, नहीं मैं अपनी मोहब्बत को नहीं भूलूंगा। अमीरे आला, खुदा ने इन्हें मोहब्बत का फरिश्ता बनाकर भेजा है, समझा करो बात को यार। काले मुकद्दम, चढ़ाता रहकर इसे, आज तक समझाने की बात करी है तूने? कैस, अगर अबू हाशिम का लौंडा कल कला को तेरी अम्मी को छेड़ गया, तेरे पास जवाब है? अगर तू किसी की बेटी पर गलत निगाह डालेगा तो तेरी पे भी कोई डालेगा। कुछ भी हो अब्बा जान, मुझे सिर्फ लैला चाहिए। लैला चाहिए? चल तो दफान हो यहाँ से। हट साले, आज से मैं तुझे बेदखल करता हूँ अपनी जायदाद से। तुम्हारे प्यार से तो बढ़िया, मेरी लैला का ही प्यार है। साले वापसी रखने की सोच रहा था तुझे, लेकिन हम निकाल लूंगा। निकल जाए यहां से, महल में से। आज के बाद यहां पर कदम मत रख दिए, या तो लैला का हो जा या अपने बाप का हो जा। अमीरे आला, सोच लो, लोंडे की मोहब्बत है। ए भाई, तू जो हर जगह मुकद्दम बनता है, अगर तेरी लोंडिया किसी के साथ ये वाला नाटक कर दे तो क्या करेगा तू? फाड़ कर डाल दूंगा, लाश का पता नहीं लगन देने का हूं, कहां से कहां को हो गई पता नहीं है। दादा बदमाश रह चुके हैं, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगवा दूंगा तमाम। तू कहां जा रही है भाई? अलमारी में तो थोड़ी सी सरफे लेकर आऊं। भोसड़ी का यहां को सुन, नंगा जा, नंगा कपड़े भी उतार के जा, मेरी कमाई के है ये। चल दाड़ेप। आइए मास्टर साहब, आइए तशरीफ रखिए, बताइए कैसे आना हुआ? देखो अमीरे आला, तुम में दिमाग तो नहीं है बिल्कुल भी जरा सा, कुछ समझ हो कहते हाथ छोड़ दो। दोनों की आपसी बात है, तुम लैला के हाव भाव को समझ नहीं रहे हो। मतलब? मतलब साफ साफ है, लैला मांग रही है केला, वो भी ये लंबा। हाँ तो केले तो भते रहेंगे बगीचे में, लाके दे दो। ओ सीढ़ी के, पहले कह रहा था मैं बिल्कुल दिमाग नहीं है। अबे बिया जा रही है, बिया देख नहीं रहा है? कितनी खूबसूरत, इतना गद्दर माल, एकदम कंचा। मत करो मेरी तरफ को, मेरी बात को समझो, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसके फुप्पो के लोंडे से, सद्दीक काणे से, मिंटो से पहले सिकंटो के बाद ब्याह करा दो। मैं कर रही हूँ उससे काणे से। काणा वाड़ा मत देखे, अगर कैश के साथ भाग गई ना तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। ये हो जाएगा अबू हाशिम की लोंडिया दुश्मन के साथ भाग गई, सब में थू थू हो जाएगी। इसलिए कह रही हूँ काणा वाड़ा मत देखो, ब्याह कर दो, साबट तो वो भी देगा। और फिर देखो ब्याह होते कैश वैस की गांड पे कैसी संटी फेरता हूँ मैं एक दौरे से। हाँ तो फिर तारीख मुकर्रर की जाए। तारीख वारी की मामा, चलो कल कोई कर दो। हाँ तो फिर कल कोई कर दो।
मेरे आला यहाँ क्या कर रहे हो तुम? वो टहल लिया था, हवा चल रही है ना, टेंशन में भी हूँ। हवा ऊपर को देखियो, एक पत्ता तक नहीं हिल लिया और सूरज इतनी तेज पड़ लिया। सच बताओ बात क्या? अरे वो शकीना भाई इधर से गुजरने वाली है, मैं सोच लिया था ताड़ लेता। ओहो, इस उम्र में भी बाद नहीं आओगे तुम। अमीर आला, मुझे तुमसे कुछ गुफ्तगू करनी है। तुमने अपना लोंडा तैल पैल घर से बाहर निकाल रखा नक्शेबाजी में, कोई अच्छी बात है तुम्हारी? अगर दूसरे मुल्क के बादशाहों को इस बात का इल्म हो गया तो क्या इज्जत रह जाएगी कद्दू? तुमने कैश की आंख में जरा भी झांक के नहीं देखा, किस कदर तड़फ है इस चीज की। मैंने अपनी आंखों से गुसल खाने में उसके गाढ़ा शैम्पू देखा पड़ा हुआ। शैम्पू तो गिर जाता है, हमसे भी कई बार पैकेट फाड़ते हुए गिर गया था। शादी करना चाह रही है वो? अबे तो मैं उसका जेठ हूँ या उसका दुश्मन हूँ, मुझसे क्यों ना कहता तुझे मुकदम बना के भेज दे। लेकिन भोफड़ी का हासिम की लोंडिया के चक्कर में लगा बाल लैला पहला, बहन की लोड़ी उखाने पहनने की तमीज नहीं उन्हें। तुम्हें पता ही है अपना तो रोज तीनों टाइम मुर्गे मुसल्लम चलता, घास फूस खाने वालों पर मैं नहीं करूँगा। देखो लड़की को बिगाड़ने में माँ का हाथ होता, हासिम को बहू को ले लो, कोई सी ऐसी बटिया कोई सी ऐसी ईग न छोड़ी जिसमें वो ना लोड़ी बहन की लोड़ी। बदतमीज खानदान में नहीं करूँगा, एक से एक शानदार आली गोरी चिट्टी, आदमी की भूख भग जाए, इतनी खूबसूरत लोंडी है हमारे खानदान में। एक इशारा कर दे खूब बढ़िया शादी करेंगे हम तो। लैला पहला से अपना हिसाब नहीं है। मास्टर साहब हमारा भी कुछ स्टेटस है, भले ही हम व्हाट्सएप पे नहीं लगाते। ऐसे काम नहीं चलेगा, शादी तो करवानी पड़ेगी। शादी कर देंगे समझा कर देख लो, लेकिन लैला पहला सा करेगा तो अपना थैला ठाका यहाँ से दफान हो जाएगा। लैला सा अगर शादी करी तो हम उसके बाप नहीं, वो हमारी औलाद नहीं। हमारे लंड में आज भी इतनी जान है, हम दूसरा लोंडा पैदा कर लेंगे, सोच लेंगे भोफड़े का मर गया। जाओ समझा कर देख लो। मत रो मेरी बच्ची, मत रो। मैं कब की छुटा रहे हो बाप ले हो गया? मत रो मेरी बच्ची, तू अपने घर जा रही है, जाओ भाई साहब। लैला यार है ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है, घर की गंदगी खत्म हो गई, अब लोड़ने वाला सारी जिंदगी भर भुगतेगा। आओ जाओ। कैश 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 उठ, लैला की डोली जा रही है। क्या? हाँ। मजनू के बदुआ लेते जा तुझको खसम बेमान मिले। मजनू के बदुआ लेते जा तुझको कसम बेमान मिले। मजनू की हमेशा याद आए ससुराल में इतनी मार बड़े। तेरी सास चुड़ैलों की देवी हो और ननंद भी गोली बाज मिले। तुझे पूरी रात न चाहे वो तुझे साजन रंडी बाज मिले। मजनू की बदुआ लेते जा तुझको पति बीमार मिले। लैला लैला तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। लैला जीवन भर माल मेरा खाया है, रिचार्ज भी मुझसे कराया है। जीवन भर माल मेरा खाया है, रिचार्ज भी मुझसे कराया है। किसी और से दुगी पिटवा के तुझे साजन मुट्ठी बाज मिले। मजनू की बदुआ लेते जा तुझको कसम बीमार।
मेरे आला तुम्हारा तो लोंडिया भग गई। बनते फिरो राजा बाजा, तुमसे अपनी लोंडिया संभली ना दुनिया के संभालोगे। क्या जिस बात का डर था वही हो गया? फकीरा आओ चलो। लैला हमने बाप होने के सारे हक अदा किए, तुम्हें दुनिया की हर चीज ला के दी, तुमने जो मांगा हमने वो दिया तुम्हें। हम तुम्हें पढ़ा लिखा कर डॉक्टर या इंजीनियर बनाने चाहते थे, मगर तुम लोंडा बाज बनी लैला, लोंडा बाज। हम सोच रहे थे कि हमारी लैला हमारा सर ऊंचा करेगी, मगर तूने तो मेरी नाक कटा दी लैला, मेरी नाक, और मैं तेरा सर काटूंगा। कैस, हमने तुम्हें घर से बाहर इसलिए निकाला था ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको, लेकिन तुमने छिनालों में फंसकर अपना कैरियर खराब कर लिया। अमीरे आला, जब हमने तुमसे कहा था उसी वक्त तुम 5 रुपए खर्च कर लेते तो ये भोसड़ी वाला पैदा ना होता। सद्दाम, ये गलती खत्म भी हो सकती है, आज इसे काट कर रख दूंगा साले को। रुको अबू आसिम, एक माँ का दर्द तुम क्या जानो, मैंने कैसी हालत में इसको 9 महीने तक पेट में रख के पाला है, आंखें बाहर आ गई थी मेरी आंखें। भाड़ू, अगर मेरे बच्चे पे जरा सा भी स्क्रेच आ गया ना तो तेरी खोपड़ी में डेंट डाल दूंगी। सही कह रही हो पापा, ये क्या जाने एक माँ का दर्द, ये तो हमें काम डाले और 6 महीने को भूल जाओ। हमें पता क्या होता है एक बच्चा पैदा करने का दर्द, 6 महीने तक थूक सफेद आता भाई। 1 महीना पेट में रख के देखिए, गाल फट जाएगी तेरी हरामी, कुछ ना हो जाए मेरे बच्चे को। आओ आपा। अबू कासिम और अबू हाशिम, इनकी मोहब्बत सच्ची है, इन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं, ये बच्चे तुम्हारी दुश्मनी दोस्ती में बदलना चाहते हैं, अब तो सुधर जाओ बहन के लोड़ो। मैं अबू हाशिम आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि मैं अपनी बेटी लैला का निकाह एक झाटू के साथ करना चाहता हूँ, तारीख मुकर्रर की जाए। बिरयानी भी गरम होगी, कोरमा भी गरम होगा, वल्लाह क्या खुशी होगी जिस वक्त निकाह होगा। लैला पर भी दुख्तर जनाब, अबू हाशिम भाई साहब कैस गंडी, दुख्तर जनाब अबू कासिम भाई साहब, निकाह होना करार पाया है, लिहाजा दूल्हा दुल्हन को 700-700 रुपए से नवाजे। मेल मामूर चचक चाटी में जलूल जलूल आना, छोटी बच्चियां आया आतिफ और अब्दुल्ला बुखारी और अबू हाशिम भाई साहब। लड़के के अब्बा को दहेज में टॉप मॉडल क्रेटा से नवाज रहे हैं। क्रेटा का हिसाब ना मेरे पास, शिफ्ट का बजट है, शिफ्ट दूंगा मैं। चलो शिफ्ट से नवाज रहे हैं, बेच के साली को फौरन क्रेटा ले लूंगा। रवानगी बरात सुबह 10 बजे, खाना दोपहर 12 बजे, निकाह दोपहर 2 बजे, विदाई की रस्म शाम 5 बजे और जुदाई की रस्म मियां बीवी अपने हिसाब से कर लेंगे। अरे मास्टर साहब, तुम भी अपनी लड़की का निकाह पल्ली पट्टी की मुशायद के साथ कर दो, दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा, एक ही मंडप में निपट जाएंगे। खाम खा की बात करो, ऐसे कैसे यकीन कर लूं मैं? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है मास्टर साहब। अजी कद्दू मेरा, तुम्हारी लौंडी की तरह थोड़ी, हमारी लौंडी साली जाता चुत्ती फिरते रहे बहन के लोड़ी बदतमीज। तुम तो यह सोच रहे हो तुम्हारी बेइज्जती हो गई तो मास्टर की हो जाए साथ साथ। मेरी लड़की इतनी सीधी है, दो धोखा नहीं पता उसे। तुम 61-62 की बातें कर रहे हो यार, बावले हो क्या? मास्टर साहब, तुम्हारी लौंडिया मुसाहिद के साथ भाग गई। हेलो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और गाइस कमेंट बॉक्स भर दो यार, मजे कर दो, बहुत सारी कमेंट करो यार, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेड बटन आ रहा होगा इस पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लो। और गाइस हमारा फेसबुक का पेज था वो डिलीट हो गया किसी वजह से, तो हमने न्यू बनाया, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर फॉलो करो, और इंस्टा भी फॉलो कर लो, आपको वहाँ पर वीडियोस वगैरह मिलते रहते हैं हमारे अपडेट। सो गाइस कर लो, जाकर जल्दी सारी चीजों को कर लो। ओके, और न्यू वीडियो भी बहुत जल्द मिलेगी।